अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो डायलॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। डायलॉग को लाइव स्टेज पर बोलने का मतलब क्या है, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो अंधभक्त है ना, उनको जवाब मिला है इन डायलॉग से कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अभी मौसम बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त जो हालात चल रहा है ना पूरे इंडिया में, कैसा हालात चल रहा है, बायकॉट पठान वाला ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया में। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। आज इस दौर में फिल्म को प्रमोट कराने का कहीं ना कहीं डायरेक्टर लोग को, एक्टर्स लोग को, जो फिल्म अभिनेता हैं उन लोगों को कोई ऐसा सीन लेके आना पड़ता है जिनकी वजह से लोग बायकॉट का मुद्दा उठाए और फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। तो इस तरीके का ट्रेंड लेके आए हुए हैं बॉलीवुड वाले। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब अंधभक्त, जो किसी के नेता के कहने पे, किसी बड़े लीडर के कहने की वजह से फिल्म को बायकॉट का मुद्दा उठाते हैं। इससे पहले मुद्दा उठा था आमिर खान की फिल्म का लाल सिंह चड्ढा, क्या बिगाड़ पाए वो लोग। हाँ, फिल्म भले वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाई, फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाई, लेकिन फिल्म ने उतना खर्चा निकाल लिया जो उनको चाहिए था, खर्चा उन्होंने अपना ऊपर कर लिया, भले वो फिल्म फ्लॉप रही वो अलग बात है, लेकिन बायकॉट भी करते हैं और वही लोग ना फिल्म भी देखेंगे छुप छुप के। क्या चल रहा है भाई? मतलब अभी देखो पठान मूवी, जो काफ़ी टाइम के बाद शाहरुख खान ये फिल्म लेके आ रहे हैं, 3-4 साल का गैप करने के बाद ये फिल्म लेके आ रही है पठान, और ये फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दे से, भगवा कलर का बिकनी पहना गया है, इस मुद्दे से बायकॉट किया जा रहा है। नहीं मेरे दोस्त, ये भी नहीं है, ये तो है ही ये मुद्दा, लेकिन कुछ और मुद्दा है। अगर बिकनी ही मुद्दा होता ना तो बायकॉट दीपिका पादुकोण के किया जाता, उसका बहिष्कार किया जाता, लेकिन किसका कर रहे हैं ये लोग? खान का, शाहरुख खान, क्योंकि खान लग गया ना इसके नाम में, इसलिए उसका बायकॉट किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर्ट कर सकता है इसमें मैं ज़्यादा बात करूँगा तो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी, और जो लोग बायकॉट का नारा लगा रहे हैं ना, बायकॉट के लेकर हड़ताल मचाए हुए हैं ना, सबसे पहले वही लोग ये फिल्म को देखेंगे, क्योंकि जितना आप लोग बायकॉट कर रहे हो ना पठान को, फिल्म उतना ही सुपर डुपर हिट होने वाली है, ये बात को मानना पड़ेगा। और नहीं मान रहे ना तो आ रही है 26 तारीख, अगला महीना 26 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा, और सुनने में क्या आ रहा है, रिपोर्ट क्या आ रही है, ये भी आप लोग को मालूम पड़ेगा होगा, क्योंकि मैं बाद में आता हूँ बोलने के लिए, आप लोगों के सामने बाद में आता हूँ, रिपोर्ट क्या आ रहा है, फिल्म रिलीज से पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर चुकी हुई है, मतलब 2-3 दिन तक हाउसफुल जाने वाले हैं, ये फिल्म रिलीज होने से पहले हाउसफुल का टिकट बुक हो गया है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, और रिपोर्ट आप लोग को ही मालूम पड़ गया होगा। और इससे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या जानने को मिल रहा है मेरे दोस्त? इससे यही जानने को मिल रहा है कि बायकॉट इस फिल्म को प्रमोट कराने का सबसे बड़ा जरिया है। एक दौर था यार जब कोई फिल्म आने वाली होती थी ना, तो फिल्म के एक्टर्स जो होते हैं, फिल्म के जो हीरो होते हैं, हीरोनी होती है, फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं, वो लोग प्रमोशन पे ना बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते थे। वो सोशल इन्फ्लुएंसर से मिलते थे, वो रेडियो पे जाते थे, रेडियो पे अपना कई दिनों तक स्पीच कराते थे, जगह जगह स्टेज कराते थे, मॉल में जाते थे, वहाँ जाके परफॉर्मेंस देते थे लाइव, इस तरीके से उसका प्रमोट हुआ करता था। फिल्म के एक्टर्स और फिल्म के जो प्रोड्यूसर है ना, डायरेक्टर है, वो सारे के सारे लोग अभी सुकून से बैठ गए, क्या कर रहे हैं, बायकॉट दुनिया नारा लगा रही है, बायकॉट बोल के फिल्म को हिट करा रही है। जो नहीं जानते थे ना, वो लोग भी जानने लगा है कि यार फिल्म में क्या हो सकता है। अब बताओ ना, बेशरम रंग पे कितना मिलियन व्यूज़ आ गया, तो अब बताओ ना यार आप लोग, बेशरम रंग जो कुछ ही दिन पहले ये गाना लॉन्च हुआ था, और देखते ही देखते ये गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, और 1-2 दिन नहीं मेरे दोस्त, 3-4 दिन तक नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, और जो लोग नहीं जानते थे ना इस गाना के बारे में, उसे भी जनवा दिए बायकॉट करने वाले गैंग लोग बायकॉट करके वो सारे लोगों तक बता दिया, और सब यही देखने के लिए वो गाना को क्लिक किए हैं, देखे हैं, प्ले किया है कि उसमें कहाँ पे भगवा रंग का कपड़ा पहना गया है। और ऐसी ही फिल्मों में भी होगा, फिल्म का इतना सारा जो प्रमोशन कर दिया ना, ऐसी ही फिल्मों में होगा, जो लोग आज बायकॉट कर रहे हैं ना, बायकॉट, वो सारे के सारे लोग फिल्म देखने जाएंगे, और उसमें ही कुछ ना कुछ वो ढूंढेंगे,
निगेटिव पॉइंट। तो इस तरीके से फिल्मों का भी प्रमोशन किया जा रहा है, बॉयकॉट का ट्रेंड चला के फिल्मों का प्रमोशन किया जा रहा है। तो जाते जाते मुझे उन दिनों का इंतज़ार है जब ये फिल्म रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो जाएगी ना, तो उन दिनों का इंतज़ार है। अगर फ्लॉप नहीं हुई ना मेरे दोस्त, अगर फ्लॉप नहीं हो पाएगी ना, अगर कहीं फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, तो ये बॉयकॉट का नारा देने वाले और अंधभक्त लोग कहाँ मुँह छुपाएंगे अपना। तो बस वीडियो का कर दें यहीं पे ख़त्म।